आज के इस वीडियो में मैं रेनबो पार्ट टू का जो प्रोज सेक्शन है उसका मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। वह पोएम है ऑड टू ऑटम, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है। इसके तीन पारा है। यह कविता ऑड टू ऑटम में ऑटम को, मतलब पतझड़ को, यहाँ संबोधित किया गया है। यह एक ऐसा सीजन है जब सारे पेड़ हरे भरे रहते हैं तथा फलों से पूर्णतः लदे हुए रहते हैं। इस मौसम में प्रकृति अपनी सुंदरता के चरम बिंदु पर नजर आते हैं। इस कविता में सूरज को मेल फिगर पुरुष के रूप में तथा ऑटम को फीमेल फिगर स्त्री के रूप में उद्धृत किया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पहला पारा में। उस पहले पारा में कवि ऑटम से कहते हैं कि तुम तो कुहासे या कोहरा का मौसम हो, तुम स्वादिष्ट फलों से भरपूर रहते हो। ऐसा लगता है कि सूर्य तुम्हारा बहुत अंतरंग मित्र है। वह सूर्य अपनी ताप के चरम सीमा पर है, इसलिए वहां पर उसको मैच्योरिंग सन कहा गया है। तुम दोनों मिलकर एक साजिश कर रहे हो कि वृक्ष फलों से लादे जा रहे हैं, उसको लाद दिए जाएं, तथा अंगूर की लताओं को जो घास फूस के जो छज्जे हैं उसके चारों ओर फैला दिए जाएं। पके सेब जिसके पेड़ काईदार हैं, मौसी उसे इतने वजन से झुकाया जा रहा है, उसे जो है सो सेब के वजन से झुकाया जा रहा है, और सभी फलों को अंदर तक, टू द कोर, अंदर तक पकाया जा रहा है। कद्दू, जिसको लौकी भी कह सकते हैं, कद्दू फूलकर मोटा हो रहे हैं तथा अखरोट के बीज भीतर से मोटा होकर और स्वादिष्ट हो रहे हैं। पुष्प लगातार खिल रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में, जो तुम्हारी साजिश है कि फूल को और अधिक से अधिक खिला दिया जाए, जो बाद में मधुमक्खियों के लिए पौष्टिक आहार का काम करेगा, तथा उन्हें ऐसा विचार आएगा कि यह जो गर्म दिन है शायद कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों के लिए उन्होंने अपने छत्ते को मधु से लबालब भर दिया है। तो यह था आपका फर्स्ट पारा। सेकंड पारा में कवि आगे इस मौसम को पर्सोनिफाइड करते हैं, मतलब मानवीकरण, मानव के रूप में उसको पर्सोनिफाइड करते हैं। मौसम मानव के रूप में अपने कार्य से कवि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कवि कहते हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा है जो तुम प्रायः स्टोर, भंडार के बीच बैठी रहती हो, और कभी भी जो कोई बाहर तुम्हें देखने के लिए निकलता है तो तुम्हें अनाज के ढेरों पर आराम से बैठा पाता है। तुम्हारे कोमल बाल विनोविंग विंड में उड़ता रहता है। विनोविंग विंड जो है
जो ओसाते हैं, ओसनी करते हैं, तो जो ओसनी वाला जो हवा चलती है उसको विनोविंग विंड कहा जाता है। या फिर आधे कटे क्यारी के बीच गहरी निद्रा में सोती रहती हो। पोपी जो एक अफीम का पौधा होता है, पोपी के गंध की मादकता से तुम निद्रा मग्न हो जाती हो। न तुम्हारे निकट हो जाती हो, और तुम्हारे निकट जो है वो हसिया जो है, हसिया काटने वाला जो फसल का होता है, तुम्हारे पास पड़ी रहती है। और अगली पंक्ति, और सभी इससे लिपटी फूलों को के क्यारी को तुम छोड़ करके ग्लीनर के रूप में, मतलब अनाज इकट्ठा करने वाले ग्लीनर के रूप में, ग्लीनर कहा जाता है जो अनाज इकट्ठा करता है, जो बाली कुछ खेतों में रह जाती है उसको जो चुनने वाला जो होता है, या महिला हो या पुरुष हो, तो ग्लीनर के रूप में अनाज के बाली को चुनती हो और फिर उसे बांधकर अपने सिर पर रखती हो, तथा अपना संतुलन बना करके नालों को, ब्रुक जिसको कहा जाता है, नालों को पार करती हो। कभी कभी तुम्हें सेब के रस निकालने वाले मशीन जिसको साइडर प्रेस कहा जाता है, उसके निकट तुम्हें खड़ा देखा जाता है। तुम वहां खड़ा रहकर धैर्य पूर्वक घंटों जो साइडर प्रेस से निकलते सेब के रस के अंतिम बूंद तक, जो सेब के रस निकलते हैं उसके अंतिम बूंद तक उसे टकटकी लगाकर देखती रहती हो। यह था आपका पारा 2 था। पारा 3 में जो लास्ट पारा है उसके अंतिम छंद में कवि संगीत की बात करते हैं। वह कहते हैं कि संगीत केवल स्प्रिंग सीजन का नहीं होता है, बसंत का ही सिर्फ नहीं होता है, बल्कि ऑटम के भी अपने संगीत होते हैं। जब आकाश में बाधित बादल सूर्य के अस्त होने पर निकलते हैं तो खूंटीदार खेत, जिसमें सिर्फ डंठल लगा हुआ रहता है, खूंटीदार खेतों में वो गुलाबी रंग बिखेरते हैं, और तब शोकाकुल मक्खियां, शोक से भरी मक्खियां जो है उसकी गायन मंडली विलाप करती है। कहाँ विलाप करती है? नदियों के बीच जो पीला मरा हुआ जो गंदगी होता है उसी के ऊपर जन्म लेते हैं और उसमें डूबते रहते हैं, जब मंद हवा चलती है या ठहर जाती है। पहाड़ी पर चर जो चर रहे मेमना होते हैं, बकरी के बच्चे की तेज भरी मिमियाहट भी इस समय सुनाई पड़ती है। झाड़ियों से झिंगुर की आवाज जो तेज सीटी जैसी निकलती है, ये सभी गीत जो हैं ऑटम के हैं। रॉबिन पक्षी की आवाज जो फुलवारियों के बाड़ों से निकलती है, तथा झुंड में अबाबिल पक्षियां जो हैं आकाश में चहचहाते हैं, जो उनकी आवाज गूंजती है, ये सभी गीत जो हैं सो ऑटम के ही हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि ऑटम को दूसरों के गीत के बजाय अपनी ही गीत के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बसंत के भी अपने गीत होते हैं और ऑटम के भी अपने गीत होते हैं। इसलिए ऑटम को चाहिए कि अपने ही गीत पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह से आपका ऑड टू ऑटम जो है समाप्त होता है।
आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।